आदरणीय राजनाथ सिंह जी, लेखक द्वय श्री उदय माहौरकर जी, श्री चिरायु पंडित जी और प्रकाशक महोदय श्रीमान कपीश मेहरा जी, श्रद्धेय संतवृंद, उपस्थित नागरिक सज्जन, माता भगिनी, मैं एक मजाक कर सकता हूं आज कि राजनाथ जी को जल्दी जाना है, तैयारी का समय उनके पास नहीं था, तो मैंने मेरे मुद्दे उनको दे दिए बोलने के लिए। उनकी अनुमति लेकर मैं मजाक कर रहा हूं, परंतु सावरकर जी के बारे में वास्तव में सही जानकारी का आज के भारत में अभाव एक समस्या है। जैसा मैंने कहा था माहौरकर जी को कि आपने धनंजय कीर जी की पुस्तक लिखी क्या, वो एक ऑथेंटिक किताब है, वेल रिसर्च किताब है, उस समय वो एक ही थी और आज दो हो गई है, विक्रम संपत जी ने दो वॉल्यूम लिखे हैं, ये तीसरी है। तीनों का ढंग अलग अलग है। धनंजय कीर साहब की किताब ये चरित्र है, विक्रम संपत जी की किताब सावरकर जी के सभी बातों पर कमेंट्री है। लेकिन मैं दोनों लेखकों का अभिनंदन करना चाहूंगा कि आज के समय में सावरकर जी के जिन बातों की आवश्यकता सबसे अधिक अपने देश को है, उसको एक सारांश के रूप में, लेकिन विथ स्कॉलरली रिगर एंड रिसर्च, ऐसा इस पुस्तक में दिया गया है। तो ये तीनों पुस्तकें जिनको सावरकर जी का अध्ययन करना है, उनको एक कंपल्सरी रीडिंग के नाते और देखना पड़ेगा इनको, क्योंकि जैसा बताया गया बार बार कि सावरकर जी को बदनाम करने की मुहिम चली और सावरकर जी सामने थे, हिंदुत्व का विचार आज बोलने वाले लोग, उस समय बोलने वाले लोग, वो सामने थे, संघ सामने था, इनके बदनामी की मुहिम चली है, स्वतंत्रता के बाद बहुत तेजी से चली है। लेकिन असली लक्ष्य क्या है? असली लक्ष्य इनके पीछे, यानी हमारे पी परमेश्वरन जी थे, उनका एक लेख आगे आज ही मैंने पढ़ा, हमारे प्रफुल्ल जी ने मुझे दिया, तो उन्होंने इसी विषय पर लिखा है कि आज संघ और सावरकर पर बड़ी टीका टिप्पणी हो रही, लेकिन असली लक्ष्य दूसरा है। इसके बाद होंगे, नंबर लगेगा, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, योगी अरविंद, इनका लगेगा, क्योंकि जो भारत की वास्तविक राष्ट्रीयता है उसका प्रथम उद्घोष इन तीनों ने किया है। और सावरकर जी को टीका का लक्ष्य बनाते समय ऐसा भी लिखा गया है कि सावरकर जी ऐसे क्यों बने, इन तीन लोगों के विचारों के कारण ऐसे बने, क्योंकि लक्ष्य व्यक्ति नहीं है, लक्ष्य है भारत की ये राष्ट्रीयता जो पूरे दुनिया को जोड़ने का एक मार्ग उजागर करती है, और लोग जुड़ जाए तो जिनके दुकान बंद होंगे उनको लगता है कि ये नहीं होना चाहिए, और स्वाभाविक है वो विचार मानवता का ही है, उस मानवता के विचार को ही अपनी भारतीय परंपरा की भाषा में धर्म कहा जाता है। अब धर्म यानी पूजा मानेंगे तो वो तो जोड़ता नहीं है, पूजा है, अलग अलग है, सबकी अलग अलग है, उससे विशिष्ट आइडेंटिटीज बनती है, उसकी मान्यता होनी ही चाहिए, लेकिन भारतीय भाषा के परंपरा के अर्थ में धर्म का शब्द वो नहीं है, जोड़ने वाला, ऊपर उठाने वाला, बिखरने न देने वाला, इहलोक और परलोक दोनों में सुख दे सकने वाला, प्रथम मध्य और अंत तीनों जगह आनंदमय और प्रत्येक के स्वभाव का ध्यान रखते हुए उसके कर्तव्य का निर्धारण करा देने वाला शाश्वत तत्व धर्म है, सर्वदूर चलता है,
अब ये विद्वानों की बात हो गई, अगर आज की भाषा में समझाना है तो हमको यही कहना पड़ेगा कि मानवता या संपूर्ण विश्व की एकता। सावरकर जी ने उसका ही प्रतिपादन किया, उसको एक अलग शब्द हिंदुत्व देके प्रतिपादित क्यों किया गया, उसके पहले नहीं हुआ था, या हिंदुत्व शब्द का उपयोग करते तो भी किसी को ऐसा नहीं लगता था कि कोई अलग बात हो गई। सर सैयद अहमद खां के बारे में कहा गया कि बात तो ठीक ही है, पाकिस्तान की कल्पना का मुस्लिम असंतोष के जनक उनको कहा जाता है, लेकिन उसके पहले की बात है, जब वो बैरिस्टर बने लाहौर में आर्य सभा के द्वारा उनका अभिनंदन हुआ, भाषण उपलब्ध है, वहां वक्ता ने परिचय दिया उनका, परिचयकर्ता ने, और उन्होंने कहा कि ये हिंदुओं में बहुत बैरिस्टर हो गए हैं, मुसलमानों में ये पहले है, इसलिए इनका अभिनंदन किया जा रहा है। तो उस पर उन्होंने जो भाषण किया, उन्होंने कहा कि मुझे बड़ा दुख हुआ कि हमारे लिए एक अलग शब्द का प्रयोग किया गया, वो हमारी पूजा का निर्देश करने वाला शब्द है, लेकिन इस्लाम से हमने पूजा ली तो क्या हुआ, हम भारत माता के पुत्र नहीं है क्या, हमको आप हिंदू नहीं मानते हैं क्या। भारतीय जनमानस की ये स्थिति थी, लेकिन कट्टरपंथ की हवाएं चली, और इतिहास में ये पहली बार नहीं हुआ है। इतिहास में जब दारा शिकोह हुए, अकबर हुए, तो उसके बाद औरंगजेब भी हुआ जिसने चक्का उल्टा घमवाया। इसलिए जब मावरकर जी कहते हैं कि उनका नाम नहीं होना चाहिए, दारा शिकोह का होना चाहिए, तो मैं उनका 100% समर्थन करता हूं। हमारे यहां हकीम खान सूरी भी हो गए, इब्राहिम खान गार्दी भी हो गए, हसन खान मेवाती भी हो गए, सेना के वीरों में सबके नाम है, अशफाक उल्ला खान जैसे क्रांतिकारी हो गए। सुनता हूं कि जब उनको पूछा गया एक बार कि आपकी इच्छा क्या होगी मरते समय, तो उन्होंने कहा कि मैं मुसलमान हूं इसलिए पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करता हूं, लेकिन मेरे परम मित्र राम विश्वास बिस्मिल है वो विश्वास करते हैं, अगर उनकी बात सही है तो खुदा जरूर मुझे पूछेगा कि अगला जन्म कहाँ लेना है, तो मैं कहूँगा भारत में ही। ऐसे नाम बहुत है हमारे पास, उनके नाम गूंजने चाहिए, उनके नाम दिए जाने चाहिए। अभी मैं जम्मू कश्मीर से आया तो वहाँ पता चला कि ऐसे शहीदों के नाम वहाँ के स्कूलों को देने की एक योजना चली है, बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि हमारे आदर्श वो है। हमारी पूजाएं अलग हो सकती है, परंतु पूजा हुई तो क्या हुआ, हमारे पूर्वज तो वही है, वो तो नहीं बदल सकते हम, मातृभूमि हम नहीं बदल सकते, जो भारत का है उसकी सुरक्षा प्रतिष्ठा भारत के ही साथ जुड़ी है। विभाजन के बाद भारत से स्थलांतर करके पाकिस्तान में गए मुसलमानों की प्रतिष्ठा पाकिस्तान में भी नहीं है, क्योंकि जो भारत का है वो भारत का ही है, वो बदल नहीं सकता। और हम सब पर एक उदारवादी संस्कृति, उदारवादी यानी उदारतामय संस्कृति का सब पर परिणाम है, उसी की विरासत हमको आगे ले जाती है, उसी के कारण हम सब लोग यहां मिलकर रह रहे हैं। वही हिंदुत्व है, उसका पहले उद्घोष करने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। सावरकर जी ने भी कब किया, सन 1857 का स्वातंत्र समर उन्होंने लिखा, पहले कारणों की मीमांसा की और बाद में कैसा शुरू हुआ स्वातंत्र समर, इसका जो वर्णन है उसको पढ़िए। उन्होंने लिखा है कि हिंदू राजाओं का भगवा झंडा और मुसलमान नवाबों का चांद तारा हरे रंग पर दोनों साथ साथ अंग्रेजों के यूनियन जैक के खिलाफ खड़े हो गए। अभी अभी गाजियाबाद में एक पुस्तक का मैंने विमोचन किया था, तो उस पुस्तक के लेखक ने कहा कि वो जो माहौल था वो हमने आगे होने नहीं दिया, ये हमारी गड़बड़ हो गई, खिलाफत ये दूसरी गलती हमारी है, मुसलमानों के लिए बोल रहे थे। ये माहौल बना था, लेकिन उसको फिर
वहाबियों के प्रभाव ने बदल दिया और अंग्रेजों को ध्यान में आया कि हम यहाँ आश्वस्त नहीं रह सकते, कभी भी यहाँ के सब लोग, इनकी भाषाएं अलग है, प्रांत अलग है, पूजाएं सब कुछ अलग है और बाहर से भी आई पूजा एक है यहाँ पे, फिर भी हमारे खिलाफ सब एक होके हमको यहाँ से भगा देंगे। अगर हमको यहाँ स्थिरपद होकर राज्य करना है, इस देश की लूट को चालू रखना है, तो इनको तोड़ना पड़ेगा। तो जो अनेक विभाजन उन्होंने खड़े किए उसमें एक ये विभाजन भी, जो कट्टरपंथ के कारण बनना शुरू हो गया था, उन्होंने उसको और चौड़ा किया। इसका अनुभव सावरकर जी ने अंडमान के जेल में लिया। उनका हिंदुत्व ये जो ग्रंथ है वो अंडमान से वापस आने के बाद लिखा गया है, क्योंकि जब ये कोलाहल होने लगा कि हम एक नहीं है, हम दो है, हमारे यहां हमारी पूजा अलग है इसलिए हम अलग है, आपकी पूजा अलग है, तब ये जोर से कहना पड़ा कि पूजा के आधार पर भेदभाव न करने वाली यहां की राष्ट्रीयता है वो हिंदू राष्ट्रीयता है और इसलिए हम अलग नहीं है। लोग गुंडागर्दी का सहारा लेके और इसको गले उतारने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए कठोर शब्दों का उपयोग करना पड़ा। सावरकर जी द्वेष्टा नहीं थे लेकिन परिस्थितियां ऐसी थी, तो जिस भाषा में जो बात समझ में आती है उस भाषा में उसको बोलना पड़ता है। अपनी बात समझाने के लिए या शास्त्रार्थ करने के लिए जब लोग बोलने लगते हैं तो आवाज तपती है ना, वो शत्रु थोड़ी है। अब हमारे संसद में क्या होता है, मारपीट ही नहीं होती बस, बाकी तो सब होता ही है, लेकिन बाहर आने के बाद एक ही जगह चाय पीते हुए सब मिलते हैं, हंसी मजाक सब चलते हैं, शादी ब्याह में एक दूसरे के घर जाते आते हैं, तो ये सब समझते हैं कि उस परिस्थिति में उस प्रकार की बात होती है। सावरकर जी का हिंदुत्व, विवेकानंद का हिंदुत्व, इनका हिंदुत्व, ये ऐसे बोलने की फैशन हो गई। हिंदुत्व एक ही है, वो पहले से है और आखिर तक वही रहेगा, वो सनातन है। सावरकर जी ने उसका उद्घोष जोर से करना आवश्यक समझा परिस्थिति को देखकर, और हम जानते हैं अब इतने वर्षों के बाद स्वतंत्रता के 75वें वर्ष पर दहलीज पर खड़े होके हम जब परिस्थितियों को देखते हैं, उनको ध्यान में आता है कि वो जोर से बोलने की तब भी आवश्यकता थी, सब बोलते तो शायद विभाजन नहीं होता। क्योंकि जिनको समझाया जा रहा था हमारे देश में कि आप अलग हो, आपकी पूजा आप अलग रहो नहीं तो ये खा जाएंगे आपको, यही डर भरा गया ना, उनको हमको ये समझाना था कि भाई इस देश में ऐसा कभी हुआ नहीं है, बाकी सारे देशों में ऐसा हुआ है दुनिया में, लेकिन हमारे यहां तो विश्व का हर देश जब भी दिग्भ्रमित हो लड़खड़ाया, सत्य की पहचान करने इस धरा के पास आया, भूमि हर दलित को पुचकारती, हर पतित को उद्धारती, ऐसा हमारा देश है। यहां जितने आए उतने विद्यमान है और सब चल रहे हैं और सबका स्वागत है, स्वीकार है, इसलिए अलगाव की बात मत करो, विशेष अधिकारों की बात मत करो। एक बार प्रमोद जी महाजन नागपुर में आए और पहली बार नागपुर के मोमिनपुरे में उनका कार्यक्रम रखा गया, सार्वजनिक भाषण, बीजेपी के प्रति कुतूहल लोगों का जाग रहा था। मैं तो बीजेपी में काम वगैरह करता नहीं हूं, किया नहीं है, लेकिन मैं संघ का प्रचारक हूं तो समाज में क्या चलता है मेरे कान पर आता, और मैं उस समय नागपुर का प्रचारक था। तो सिलेक्टेड मुसलमानों के बुद्धिजीवी ऐसे 750 लोगों को बुलाया था, 1,000-1,200 लोग थे उस सभा में, बुलाए वो तो सब आए ही थे। प्रमोद महाजन ने वह विषय रखा कि देखो हम राम मंदिर वाले हैं, उसके लिए आंदोलन कर रहे हैं और हमको आपके वोटों की बिल्कुल आशा नहीं है, तो ये सभा आपको आपके वोट प्राप्त करने के लिए नहीं है, हम क्या सोचते हैं वो बताने के लिए, हम आपको वोटर के नाते देखते ही नहीं, हम आपको अपने देश के एक नागरिक, हमारे भाई के नाते देखते हैं, और इसलिए हम अपेक्षा करते हैं कि सूखी रोटी हम खा रहे तो हम आधी आपको देंगे, आधा आधा बांट कर खाएंगे, हम ये भी कहते हैं कि हम सूखी खाएंगे और आपको जलेबी देंगे, ये होगा नहीं, और आप
खाने में हिस्सेदार जरूर हो, कोई आपका हिस्सा नकार नहीं सकता, वैसे आप कर्तव्य के भी भागीदार हो, उसका हिस्सा आप नहीं नकार सकते। इसको आपको मानना है तो मानो, बाकी लोग आपको वोटर वोटर खुशामत करके पीठ में छुरा भूकने वाले लोग हैं। हमारी भाषा सरल है, हम क्या करने वाले बता रहे थे, अपीजमेंट ऑफ नन, ये हमारा नारा है, वेल बींग ऑफ ऑल, अपीजमेंट ऑफ नन। सावरकर जी ने यही कहा था, स्वतंत्रता की उनकी जो कल्पना थी उसमें जैसे जो जो उत्तम उदात्त तो उन्नत महन मधुर वह सब स्वतंत्रता भगवती तेरे साथ इस भूमि पर आएगा, ये उनकी आशा थी। और तंत्र के बारे में उन्होंने बहुत गहन विचार करके बातें कही थी, एक के बाद एक उनकी भविष्यवाणी सत्य होती हुई हमने अनुभव की है। स्वतंत्र भारत हुआ तब उन्होंने कहा कि युवाओं का मिलिटराइजेशन होना चाहिए क्योंकि हमको लड़ना पड़ेगा, एक तो देश खंडित हुआ है, शांति के लिए देश के विभाजन को हमने मान्यता दी लेकिन ये सदा की झंझट मोल ली हमने, अब हमको शांति नसीब नहीं होगी, इसलिए तैयार रहना पड़ेगा। उस समय भारत के शायद संरक्षण विभाग में विचार ये चला था कि अब तो सेना की कुछ आवश्यकता नहीं, तो क्यों ना कुछ फैक्ट्रीज लगाई जाए जिसको सेना चलाए, और 62 में दिखा दिया सेना की कितनी आवश्यकता है। तब से बातें बदली, लेकिन अभी अभी तक यही चल रहा था कि सुरक्षा नीति चलेगी परराष्ट्र नीति के पीछे पीछे, इसलिए कोई कुछ कर रहा है नहीं नहीं नहीं, नहीं चुप रहो क्योंकि दुनिया क्या कहेगी। अब 14 के बाद पहली बार अनुभव आ रहा है कि परराष्ट्र नीति सुरक्षा के पीछे पीछे चलती है, तो अगर लोगों को लगता है कि ये सावरकर जी का युग आ रहा है तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि ये देशभक्ति का युग है, ये अपने राष्ट्रीयता के गौरव और असली पहचान का युग है, ये अपने देश के सब लोगों को उनके जाति धर्म पंथ भाषा प्रांत को बिना देखे कर्तव्य और अधिकार दोनों में बराबरी की भागीदारी सिखाने वाला युग है। हिंदुत्व का अर्थ यही होता है ना, हिंदुत्व का अर्थ पूजा से संबंध जो है तो पूजाएं अनेक हैं, देर आर मेनी रिलीजन्स भारत में, और वो अपना अपना है। अभी नवरात्रि चल रही है, आप में से कुछ लोगों ने व्रत रखा है कुछ लोगों ने नहीं रखा है, तो व्रत रखने वाले पुण्यवान है और नहीं रखने वाले पापी है, ऐसा तो हिंदू नहीं मानता। आप में से कुछ लोग हैं जो शाक्त नहीं है, वो गणपति जी की उपासना करते हैं, उन्होंने उपवास उस समय कर लिया अब नहीं कर रहे, तो कोई विरोधी तो नहीं हो गए। हिंदुत्व का विचार यह है कि भाई अस्तित्व मूल में एक है, और अलग दिखने से आदमी अलग नहीं होता, बाकी दुनिया कहती है एक होना है तो एक सा होना चाहिए, यूनिटी इज नॉट पॉसिबल विदाउट यूनिफॉर्मिटी, हमारे यहां बिल्कुल अलग विचार है, हम कहते हैं विविध होना, अरे हमारा आनंद है, हमारा उत्सव है, हमारा अधिकार भी है, सृष्टि का श्रृंगार भी है, भगवान को लगा मैं एक हूं अनेक हूं इसलिए तो सृष्टि उत्पन्न हुई, तो हम अनेक हो रहे हैं, आनंद की बात है, लेकिन हम विशिष्ट है विविध है अनेक है इसका मतलब हम अलग है ये बिल्कुल नहीं होता। एग्जिस्टेंस इज वन, केवल मानव नहीं चराचर सृष्टि, जो विज्ञान भी आज सिद्ध करता है। सावरकर जी शुद्ध वैज्ञानिक मनोवृत्ति के थे, अभी बताया सावरकर जी यानी तर्क, किसी भी बात को उन्होंने आंख मूंद कर स्वीकार नहीं किया, प्रत्यक्ष अनुभव के धरातल पर और बुद्धि के तर्क के आधार पर जो सत्य उनको प्रतीत हुआ उन्होंने बेबाक कहा, परिणामों की चिंता नहीं की, मेरा क्या होगा इसकी बिल्कुल चिंता नहीं की, उनका जीवन तो मेरा क्या होगा इस थीम पर चलने वाला जीवन था ही नहीं। स्कूल में पढ़ते समय उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि देश की स्वतंत्रता के लिए सर्वस्व समर्पण करके मैं जीवन जीऊंगा,
तो उन्होंने कहा है उनकी उस कविता में जिसको चिरायुजी ने उद्धृत किया, दीप्ता नलात निज मातृ विमोचनार्थ हा स्वार्थ जाळुनी अमी ठरलो कृतार्थ। मातृभूमि के मुक्ति का ये जो प्रज्वलित अग्नि है उसमें हमने स्वार्थ को जला दिया और कृतार्थ हो गए और इसका कोई पश्चाताप नहीं। मेरा बड़ा भाई वो जेल में है, उसकी तुम्हारे वेदी पर बलि चढ़ रही है, छोटा मैं स्वयं भुगत रहा हूँ, छोटा भाई भी कारावास में है, लेकिन ये क्या है, हम अगर सात भाई होते तो सब तुम्हारे ही स्थंडल पर हम बलि देते। उस कविता का नाम है मृत्यु पत्र। अंडमान से उन्होंने अपने भाभी को भेजा, वापस आएंगे कि नहीं आएंगे पता नहीं, तो पत्र लिखते थे और प्रतिभाशाली थे, ओजस्वी कविता, तो वो कविता उन्होंने लिखी, उसमें सब विचार ऐसे ही है। ऐसे प्रखर व्यक्तित्व वाले सावरकर जी वो किसी बात को आंख मूंद के स्वीकार नहीं करते थे। उन्होंने बहुत चिंतन किया, परिस्थिति का चिंतन किया। आप ये मत समझिए कि मुसलमान उनके शत्रु थे, उनकी उर्दू गजलें भी है एक से एक। अंडमान में वहां के बंदियों को उन्होंने अपनी उर्दू गजलें भी सुनाई, वहां मुसलमान बंदी भी थे, स्वातंत्र्यवीर भी थे, तो इतना उनका अध्ययन निरीक्षण था और सबके मनों को वो जानते थे। तो सज्जनों से कैसा व्यवहार करना और दुर्जनों से कैसा व्यवहार करना आता था, मुख्य पाला उनका दुर्जनों से पड़ा तो उनकी भाषा वैसी हो गई। अब लड़ाई में थे तो लड़ाई में तो कोई लड़ने वाला संधि की बात नहीं करता, वो दूसरी एक डिप्लोमेसी पीछे से चलती, उसमें दरवाजे खुले रहते, वो होना चाहिए, होता है, लेकिन जो सामने सेनापति है वो ऐसी भाषा नहीं करता कभी, उनका वो रोल था और वैसा उन्होंने किया। लेकिन हम जानते हैं कि उनके विचारधन को हम समग्रता से देखें और देखें तो जो बात अभी माहुरकर जी ने बताई है उनके बारे में पुस्तक में वेल रिसर्च्ड ऐसी लिखी है वो 100% सही है। लेकिन ये कैलमनी जो होती है ना, अपने प्रजातंत्र में राजनीतिक विचार के अनेक प्रवाह है और होते ही है, प्रजातंत्र नहीं होता तो भी हमारे यहां तो यह माना जाता है कि मतभिन्नता यह स्वाभाविक है। हम संगठन सूक्त कहते हैं उसमें एक जगह सहचित्त ऐसा शब्द है, बाकी सब जगह समान या सम ऐसा शब्द है, समानो मंत्र समिति समानी समानम मन सहचित्त मेशाम। विनोबाजी भावे कहते हैं कि ऋग्वेदकार मनुष्य को जानते थे इसलिए उन्होंने ये माना कि चित्त समान है, समिति समान हो सकती है, मन समान हो सकता है, मंत्र समान हो सकता, सब मनुष्य का चित्त समान नहीं होता है कभी, इसलिए मत एक बात के अनेक लोगों के हमेशा अलग अलग होते हैं, लेकिन एक बात होती है कि हमारे मत अलग है तो भी हम एक साथ चलेंगे। ये जहां होता है वहां मतों का शास्त्रार्थ होता है, एक सहमति बनती है, जिनका नहीं माना गया वो अपना मत उसमें विलीन कर देते हैं और पूरा समूह आगे बढ़ता है, कदम से कदम मिला के आगे बढ़ता है, एक स्वर में बात करता है। हमारी राष्ट्रीयता के ये सारे मूल तत्व है। उसका उद्घोष करने वाले सावरकर जी को ये, जिनको ये उदारता पता नहीं है, उन लोगों ने बदनाम करने का अखंड प्रयास चलाया, आज भी चलता है। वास्तविक सावरकर जी के समकालीन अन्य विचार के जो लोग थे, उस समय के लोग एकदम गहरे और ऊंचे लोग हैं, उनके मतभेद स्वाभाविक मतभेद है। गांधी जी के और सावरकर जी के मतभेद तो जग जाए रहे, कोई ये सिद्ध करने का प्रयास बिल्कुल न करे उनके मत समान थे, ऐसा नहीं है। परंतु गांधी जी की सावरकर जी के बारे में भावना और सावरकर जी की गांधी जी के बारे में भावना एक समान क्षेत्र में प्रामाणिकता से, निस्वार्थ बुद्धि से, सर्वस्व समर्पण करके काम करने वाले कार्यकर्ताओं की आपस में जो होती है वैसी ही थी। गांधी जी का स्वास्थ्य खराब हुआ,
चिंतित हो गया सारा देश। सावरकर जी ने वक्तव्य दिया कि गांधी जी जैसा महापुरुष, उसको इसकी आवश्यकता बहुत है देश में, उनके स्वास्थ्य को ठीक रहना चाहिए, रखना चाहिए, और गांधी जी को हमारी विनंती है कि अपने स्वास्थ्य को संभाल कर वो काम करें। और सावरकर जी के बारे में गांधी जी ने क्या कहा बताया? सावरकर जी को ऐसे नापना भी कठिन है, इतना मल्टी डायमेंशनल बहुआयामी व्यक्तित्व उनका था। उत्तम प्रतिभावान साहित्य, उनके कविताएं, उनके नाटक, उनके लेख, उत्तम वक्ता, किसी भी विषय का मर्म जानकर उसके बारे में मत व्यक्त करने वाले मर्मज्ञ, समाज की एकता के अत्यंत पुरस्कर्ता और समाज की रूढ़ी कुरीतियों के समूल उच्चाटन, अंधविश्वासों के समूल उच्चाटन के प्रखर पुरस्कर्ता। रत्नागिरी में उन्होंने सामाजिक समरसता के लिए जो काम किया, डॉक्टर अंबेडकर उनको अप्रिशिएट करते थे। उस समय जो तथाकथित उच्च जातियों के पुढ़ारी प्रमुख थे, यानी धुरीन थे और सक्रिय थे समाज में, डॉक्टर अंबेडकर साहब ने सबसे अच्छा मत सावरकर जी के बारे में व्यक्त किया है, उनके संबंध भी थे। ऐसे व्यक्तित्व को, यानी क्षुद्र दृष्टि रही, क्षुद्र बुद्धि रही तो क्या कहना, वो तो किसी को भी नीचे उतारने में। कवि ने पूछा, भाई लक्ष्मी जी कमल में निवास करती है और शंकर जी तो वो बर्फ में जाके बैठ गए कैलाश पर, और ये तो सागर में छुप गए विष्णु जी, ये क्या बात है, क्या हुआ? तो बड़ा कोई व्यक्ति होता तो कोई कल्पना सजाता, लेकिन एक क्षुद्र व्यक्ति मिला उसको, उसने कहा खटमल हुए होंगे घर में। अब आदमी की बुद्धि छोटी है तो क्या करेगा। ऐसा लोगों ने सावरकर जी के बारे में और कई प्रकार की निंदाएं प्रचारित की। वो तो यानी मुझे तो दखल पात्र भी लगती नहीं, मैं गुस्सा तो आपके जितना ही आता है मुझे, लेकिन मैं चिंतित नहीं होता। सावरकर जी के व्यक्तित्व के प्रकाश को ढकने के लिए वो अत्यंत ही तुच्छ है। वो सारा निंदा का तमस विदीर्ण करके सावरकर जी के विचारों का प्रकाश हम तक तो पहुंच ही रहा है। आज 75 वर्ष हमने सब प्रकार के अनुभव लिए, उसके बाद आज लगता है लोगों को कि बात तो सही है। ये अगर उस समय लगती, उस समय फिर हिंदू समाज कहता कि भाई आप लोग क्यों अलग, आप हमारे हो, आप हमारे भाई हो, कर्तव्य में आपका भी हिस्सा है और जो मिलेगा उसमें भी आपका हिस्सा है, बराबरी से चलो, यू आर नॉट ए माइनॉरिटी। अभी हमारे उन्होंने फारूक खान साहब ने उन्होंने कह दिया कि माइनॉरिटी मेजॉरिटी डिवीजन की आवश्यकता नहीं। संविधान सभा के समय भी कुछ मुसलमान सदस्यों ने यह मत व्यक्त किया था। ये भेद हम क्यों करते हैं भाई? हम एक देश के जाए, एक देश के उपजे, हम परस्पर भाई है। पूजा अलग होना हमारे देश की परंपरा है, भाषाएं अलग होना हमारे देश की परंपरा है। ये सारी बातें अलग होने के बाद भी हम एक देश के लिए लड़ते रहे। रावण का खतरा राम के राज्य पर नहीं था, बीच में बहुत बड़ा दंडकारण्य था, लेकिन अयोध्या का राजकुमार चलकर दक्षिण में करके रावण का विध्वंस करके क्यों आया? क्योंकि इस देश की भूमि, इस देश की संस्कृति, इस देश का जन, इसकी सुरक्षा उसका काम था। क्यों चाणक्य वहां से तक्षशिला से वापस आकर चंद्रगुप्त को ले गया उसको खड़ा करके, और उसने यवन के आक्रमणों का प्रतिकार करवाया मगध के साम्राज्य से? ये उद्योग करने की आवश्यकता क्या थी? क्योंकि सारा देश एक है भाई। शिवाजी महाराज ने औरंगजेब को पत्र लिखा, काशी का मंदिर टूटा था, कि हिंदू मुसलमान दोनों को भगवान ने उत्पन्न किया है, इसलिए प्रत्येक राजा का कर्तव्य है दोनों को समान आंख से देखकर उनके साथ व्यवहार करे। तुम अत्याचार कर रहे हो, सावधान, तुम अगर ऐसे ही चलते रहोगे तो मेरी तलवार लेकर मुझे उत्तर में आना पड़ेगा। क्यों? शिवाजी महाराज का राज्य आज के महाराष्ट्र के दो तीन जिलों तक ही सीमित था। काशी की चिंता क्यों की?
क्योंकि सारा देश एक है, है अनेक भाषा है, अनेक पंथ है, सब सब कुछ है, लेकिन हम सब लोग एक भारत माता के सपूत है, एक संस्कृति की विरासतदार है जो सारे विश्व को साथ में चलना सिखाती है। उसके आज दुनिया को आवश्यकता है, दुनिया को उसको देने का काम भारत को करना है। वो करने के लिए भारत समर्थ हो, इसको समझने वाला हिंदू समाज सशक्त हो, क्योंकि सत्य के पीछे शक्ति नहीं है तो दुनिया उसको नहीं मानती, और शक्ति के पीछे शील नहीं है तो वो उन्मत्त होती है। इन बातों को जानने वाले सावरकर जी ने ये बताया है, वो जो आखिरी पैराग्राफ पढ़ के बताया कि ऐसा समर्थ संगठित बल संपन्न हिंदू गीता के अलावा दूसरी बात नहीं कहेगा, वो वसुधैव कुटुंबकम की ही बात करेगा, क्योंकि हमारा यही पसाया दान है, हमको पूर्वजों से मिला हुआ, उसी को हमको समय समय पर देना पड़ता है। उसके लिए इस देश में जो प्रत्येक है उसका दायित्व है, समान दायित्व वाले हम लोग हैं, हमारी मातृभूमि विभाजित नहीं हो सकती। अभिनव भारत उनका जो क्रांतिकारी आंदोलन था उसका सांगता समारोह उन्होंने बाद में कहा, जिसमें पूजनीय गुरुजी उपस्थित थे, उस समय का उनका भाषण है कि हम हिंदू सिंधु के बिना रह कैसे सकते, 1967 की बात है, यानी उन्होंने तब भी यह सोचा था कि भारत एक होना चाहिए, एक होगा। योगी अरविंद ने कहा था कि अब ये विभाजन हो गया तो इसके कारण बहुत भटकाव होगा, लेकिन अंततोगत्वा फिर से अखंड भारत उदीयमान होगा, होगा ये विश्व के लिए आवश्यकता है। आज स्वर्गीय राम मनोहर लोहिया जी की जयंती है, वो भी अखंड भारत का स्वप्न देखने वालों में एक थे। आज हम सावरकर जी को स्मरण करें, उनके असली रूप में रंग में उनको देखें, ऐसा देखने के लिए ऐसी पुस्तकों का अध्ययन करें, ऐसी पुस्तकों को घर में खरीद कर रखे ताकि हमारी नई पीढ़ी भी उसको पढ़े और सही जानकारी ले, और फिर से उस खोई हुई एकात्मता और अखंडता को वापस लाने के लिए संकल्पबद्ध हो। बड़ा साफ साफ प्रकाशक महोदय ने कहा कि हमारे आने से बिकराव बढ़ता है, इसलिए उन्होंने हमको बुलाया है, लेकिन ठीक है बिकराव बढ़े, मेरी शुभेच्छा तो है ही, परंतु साथ साथ ये संकल्प अगर अपने समाज में बनता है तो लेखक द्वय का जो इतना परिश्रम है, इतने कम समय में इतना गहन अध्ययन कर और ऐसे विषय पर उन्होंने लिखा, लोग क्या कहेंगे पता नहीं, ऐसा उनको लगता था। और प्रकाशक महोदय ने, आजकल हो रहा है ऐसे पुस्तकों का प्रकाशन भी, तो उन्होंने भी इसको प्रकाशित करने का साहस किया, तो वो फालतू नहीं जाएगा अगर ये संकल्प लेकर हम खड़े हो जाएंगे और एक आदर्श भाईचारा युक्त समाज, बल संपन्न समाज, विश्वहितैषी समाज, स्वनिर्भर समाज बनकर खड़े रहेंगे और विश्व को शिक्षा देंगे, वो दिन हम जल्दी देखें। ये शुभकामना आपको विजयादशमी के दो दिन पहले ही देता हूँ और मेरा भाषण समाप्त।